बाहर होने वाला है? हाँ, हाँ कल तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अनु तेरी पिचकारी कहाँ है? अरे यार मैं मम्मा से बात करना ही भूल गई, मैं उनसे बात करूंगी और वो खरीद कर दे देंगे मुझे, फिर हम लोग खेलेंगे। कोई बात नहीं अनु, आज हम दोनों तेरे साथ अपनी पिचकारी शेयर कर लेंगे, लेकिन कल जरूर लाना, कल 1v1 खेलना है। हाँ मैं कल पक्का लेके आऊंगी, चिंता मत कर। हाँ ठीक है। क्या हालत बना के आई है, होली कल है ना। मैं तुझे सबसे गले लगना चाहती हूँ। नहीं नहीं, सीधा बाथरूम में जाओ। मैं तुझे सबसे गले लगना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई गले नहीं लगना है, पहले जाओ फ्रेश होके आओ। लेकिन मुझे उसे कुछ बात करनी थी। अभी कोई बात नहीं होगी, पहले जाओ। ठीक है। फटाफट नहा लेती हूँ, फिर मामा से पिचकारी की बात कर लूंगी। सही है। हेलो अनु। हाय आयु। अनु तूने अपने मॉम डैड से पूछा वो पिचकारी के बारे में? अरे यार मैं तो भूल ही गई, मैं उनसे पूछती हूँ फिर तुझे बताती हूँ। अच्छा पूछ लेना, फिर मेरे को कॉल बैक कर देना। हाँ ओके बाय। बाय। अरे क्या हो गया, इतना उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बोलूँ यार, होली का टाइम आ गया और इसी टाइम सब बजट खराब हो गया है। हाँ अभी क्या करेंगे, इस महामारी ने बहुतों का घर उजाड़ दिया और अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और अपना भी बजट हर महीने खराब होते ही जा रहा है। मम्मा, अरे हाँ वो आपने कुछ पैसे सुनील को दिए थे ना, उनसे ले लीजिए ना। अरे उससे भी क्या लूँ, उसकी भी तो नौकरी चली गई, नौकरी जाने के टेंशन में उसकी तबीयत खराब हो गई। आप सही कह रहे हो, इस समय तो उनसे पैसा मांगना भी अच्छा नहीं है। बट अभी दूध वाले का, राशन वाले का सबका बकाया है, कैसे करेंगे? अच्छा एक काम करो, ये 500 रुपया रख लो, तब तक इसमें काम चलाओ, बाकी मैं कुछ बैंक से कल पैसा निकालता हूँ। लेकिन बैंक में भी तो पैसे नहीं है ना। अरे छोड़ो यार, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। मम्मा। अरे अनु बेटा, अरे कुछ बोल रही थी तू, मैं पापा से बात करने में ही भूल गए। बोल बेटा क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं मम्मा। अच्छा अब ज्यादा मस्ती मत कर, मुझे मार्केट जाने के लिए लेट हो रहा है। ओके मम्मा। मेरी प्यारी बेटी। ये 500 रुपया रख लो, तब तक इसमें काम चलाओ, बाकी मैं कुछ बैंक से कल पैसा निकालता हूँ। अरे अनु बेटा यहाँ क्या कर रही है अकेले खड़ी होके? कुछ नहीं। अच्छा चल अंदर चल, ये देखो बाल भी अभी तुम्हारा गीला है, चलो तौलिया लेके सुखा लो। ओके। मुझे मार्केट भी जाना है। सस्ती वाली बताओ ना भैया। इससे कम वाली है। अरे वाह, तेरे मॉम डैड इतने काइंड है कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो मैं उनसे पैसा नहीं मांगूंगी। चल कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हम लोग इस बार भी पिचकारी शेयर कर लेंगे। थैंक यू यार, तू तो मेरी एकदम सच्ची दोस्त है। अरे दोस्त किस लिए होते हैं? अरे वो क्या पड़ा है, चल देखते हैं। ठीक है। अरे ये तो किसी का वॉलेट है। हाँ? देख।
अरे इतने सारे पैसे हैं इसमें तो। अरे वाह अनु, इतने सारे पैसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हाँ शायद से। अरे मैं तो बोलती हूँ इन पैसों को रख लेते हैं और ये पर्स फेंक देते हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। चल लेकिन आयु, चोरी करना सही नहीं होता। अरे सही गलत क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, ले लेते हैं यार। नहीं आयु, चोरी नहीं करना। अरे अनु यार, तू नहीं देखना तो मैं ले रही हूँ, मैं तेरे पिचकाई ला दूंगी। नहीं नहीं यार, अब तू ही देखना, किसी और का होली खराब करके, किसी और का दिन खराब करके हमारी खुशी खरीदना अच्छी बात नहीं रहेगी ना आयु। अगर तेरा कोई पैसे चुरा तो देखो अच्छा लगता। नहीं चल ठीक है, तू सही कह रही है। लेकिन ये है किसका आइडिया? मोस्टली लोग पर्स में अपना विजिटिंग कार्ड या आधार कार्ड सब रखते हैं ना, चेक करते किसी का, उससे पता चल जाएगा। ये रहा विजिटिंग कार्ड, आरके शर्मा एविंग 902। अरे ये तो अपनी बिल्डिंग है। आरके शर्मा, शर्मा आंटी, वो अपनी शर्मा आंटी। हाँ चल उनको ढूंढ के उनका पर्स देता है। हाँ चल। हेलो, हाँ भैया कितना टाइम लगेगा आपको? और ठीक है थोड़ा जल्दी आइए ना, मैं नीचे ही खड़ी हूँ। भैया मेरी चाबी खो गई है, आपने देखा क्या कहीं पे? ठीक है जी, देख लीजिए। हेलो शर्मा आंटी। हेलो बेटा। अरे आंटी आपको चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बेटा मेरा पर्स खो गया, उसमें मेरे घर की चाबी भी थी। आंटी मैं आपको एक सरप्राइज दूँ? हाँ बेटा। क्या आपका पर्स ऐसा दिखता था? अरे बेटा ये तो मेरा ही पर्स है, ये तुम्हें कहाँ मिला? अरे आंटी हम आ रहे थे ना तो हमें रास्ते में मिल गया, और जब हम खोले तो उसमें पैसे था और एक विजिटिंग कार्ड भी था, जिसमें पता चला कि वो आपका कार्ड था। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। अरे आंटी पैसा चेक कर लो पूरा है ना, वरना बाद में हमें नहीं बोलना। अरे बेटा पैसे का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट मेरे घर की चाबी है, मैं चाबी चेक कर लेती हूँ। चलो आंटी भी हम चलते हैं। रुको रुको बेटा एक मिनट रुको ना, ये लो बेटा मेरी तरफ से कुछ ले लेना। नहीं आंटी पैसे नहीं चाहिए। नहीं बेटा रख लो ना, कल होली है मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे नहीं 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 आंटी नहीं चाहिए हमें। अच्छा एक मिनट रुको। ये लो बेटा मेरी तरफ से होली के लिए गिफ्ट। सच में मेरे लिए? हाँ बेटा तुम्हारे लिए। अरे वाह कितनी अच्छी पिचकारी है, थैंक यू आंटी। वेलकम। चलो चलते चलते हैं। अरे वाह मजा आ गया, इतनी बड़ी पिचकारी है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है पिचकारी। हाँ कल तो हम एकदम मजे से होली खेलेंगे। हाँ बहुत मजा आने वाला है कल। हाँ चल चलते हैं।